उज्जैन जिले के चारधाम मंदिर परिसर में आगामी 11 और 12 जनवरी को अखिल भारतीय ज्योतिष चतुर्थ अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन श्री दुर्गा ज्योतिष और रत्न अनुसंधान केंद्र के तत्वावधान में किया जाएगा, जिसमें पूरे भारत से 400 से अधिक ज्योतिष विद्वानों के आने की संभावना है। इस 2 दिवसीय अधिवेशन में आने वाले विद्वान ज्योतिर्विद जन्म कुंडली टैरो कार्ड जैसे विविध विषयों पर मार्गदर्शन करेंगे और अनुभव साझा करेंगे। वहीं देश की स्थिति और एक ही त्यौहार को 2 तिथियों से मनाने जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। यह मार्गदर्शन अधिवेशन आम जन के लिए निशुल्क रहेगा। यह चतुर्थ अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु महा अधिवेशन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में चार धाम मंदिर परिसर में होने जा रहा है, जिसकी 11-12 जनवरी 2020। इसका मेन उद्देश्य यही है कि सम्मेलन के अंदर भारतवर्ष से लगभग 400 लोगों का आने का मंजूर हुआ है, जिसमें जो आमंत्रण दिए गए हैं लगभग 400 लोगों के आसपास आना है इनको, जो पूरे भारतवर्ष से होंगे। और सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य रहा है कि एक ज्योतिष के माध्यम से लोगों के अंदर, ज्योतिष एक विज्ञान है, वास्तु एक विज्ञान है, उसके माध्यम से पूरा मार्गदर्शन दिया जाए, जिसमें उज्जैन के नागरिकों को वास्तु के द्वारा उज्जैन का जो भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उज्जैन नगरी के अंदर, उसका प्रोग्रेस हो। और उज्जैन नगर एक, वैसे तो महाकाल की नगरी विश्व में प्रसिद्ध है, उज्जैन नगरी का नाम और भी व्यापारिक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आगे काफ़ी नाम रोशन करे और काफ़ी बढ़े, इस उद्देश्य को लेकर यह ज्योतिष समिति। JSR टाइम्स के लिए उज्जैन से शकील खान की रिपोर्ट।